हाय, मैं हूं ऋषिकेश मिश्रा, सीईओ एंड फाउंडर जेआर कंपनीज। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में। कॉम्पिटिटर्स देखिए, जितना वो हार्मफुल है उतना यूजफुल भी हो सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा परेशान भी कर सकते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटर को समझना इतना ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी जितना आपको खाना जरूरी है, जितना पीना जरूरी है। यदि आपने कॉम्पिटिटर को समझने में गलती करी तो उन्होंने आपको बिजनेस से उठा के बाहर फेंक दिया। तो कॉम्पिटिटर की असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कॉम्पिटिटर को असेस कैसे करें? देखिए, आपको कॉम्पिटिटर को असेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको कॉम्पिटिटर को असेस करने के लिए एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक पैटर्न समझना पड़ेगा। आप उसको एक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करें इसको? हम कॉम्पिटिटर्स को तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक एग्रेसिव कॉम्पिटिटर, जो कि मार्केट में सुप्रीम लीडर है, बहुत ऊपर है, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, जब भी करता है बड़ा करता है, परफेक्ट करता है और उसका नाम बहुत बड़ा है, इसे हम एक एग्रेसिव कॉम्पिटिटर का नाम दे सकते हैं। दूसरा, हम एक कॉम्पिटिटर की श्रेणी है जो कि एक्टिव है, मार्केट में हमेशा रहता है, बट उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटे मोटे बड़े बड़े काम करता रहता है, बट वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत चालाक है, मार्केट समझता है, उसको हम एक नाम एक्टिव कॉम्पिटिटर दे सकते हैं। और एक कॉम्पिटिटर जो बस मार्केट में है, चल रहे हैं, बहुत सारे भेड़ चाल है, उसको बस एक नाम जस्ट कॉम्पिटिटर दे सकते हैं। तो हमने पैटर्न समझ लिया, हमने उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो कैटेगरीज कैसे हमने बनाई? एक एग्रेसिव कॉम्पिटिटर की बना दी, एक एक्टिव कॉम्पिटिटर की बना दी और एक जस्ट सिंपली कॉम्पिटिटर्स की बना दी। जब हमने इन सभी कॉम्पिटिटर्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दी तो उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, वो क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, उनकी माइंड सेट क्या है, वो एग्जैक्टली अभी क्या मार्केट में कर रहे हैं, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, उनका पैटर्न हमें समझ में अब आ गया। अब जब उनका पैटर्न हमें समझ में आ गया तब अब क्या करना है? तब अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, हमें राइट कॉम्पिटिटर चूज करना है। देखिए, सही कॉम्पिटिटर चुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने गलत कॉम्पिटिटर से पंगे ले लिए तो आप कॉम्पिटिशन में तो है ही नहीं और आप गलत पाथ में चले जाए। हो सकता हो आप अपने गलत कॉम्पिटिटर चूज करके अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज कर दे और आप बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चले जाए, क्योंकि आप तो उनको कॉपी कर रहे हैं। तो कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटर को कॉपी नहीं करना। लाइफ में कॉम्पिटिटर हो या कुछ भी काम हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कॉपी मत कीजिए, क्योंकि आप उससे अपनी ओरिजिनैलिटी खो देंगे। कॉपी कभी नहीं करना है, अपना राइट कॉम्पिटिटर चूज करना है और उसको राइट अप्रोच में राइट तरीके से एड्रेस करना है। अब हमने समझ लिया कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनका पैटर्न क्या है, क्या तरीके हैं उनके काम करने के। अब मेन मुद्दा आता है, हाउ टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि राइट कॉम्पिटिटर को चूज करें और उसको कॉपी बिल्कुल भी ना करें। ये सबसे नंबर वन बात कि अपने कॉम्पिटिटर को सही चूज करें और उसको कॉपी कभी ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने वीकनेस पे काम करें, अपने स्ट्रेंथ को मार्केट में स्टैंड आउट करके दिखाएं, सबको दिखाएं। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, आपको अपना स्ट्रेंथ बताना ही पड़ेगा, व्हाई यू आर द बेस्ट। सो In order to be best, you have to showcase कि क्या skill set आपके पास है, क्या manpower आपके पास, क्या product आपके पास है, किस तरीके से services आप market में दे रहे हैं, आप क्यों leader बनना चाहते हैं या आप क्यों leader हैं, अपना ideology, अपनी thought process को अपने market के सामने। तीसरी important बात, हो सकता हो आपके business के अंदर बहुत सारा competition हो, बहुत सारा price war हो, बहुत ही ज्यादा competitors हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में आपको न्यू horizons ऑफ बिजनेस एक्सप्लोर करना चाहता हो। सकता हो गार्मेंट बिजनेस के अंदर हो, तो आपको फैब्रिक बिजनेस में क्या आप आ सकते हो, क्या आप यार्न्स के बिजनेस में आ सकते हो, क्या आप धागे सप्लाई कर सकते हो, क्या आप रिटेल बिजनेस में हो तो होलसेल में भी इंटर कर सकते हो। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज आपको देखना पड़ेगा, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, बिजनेस को पूरी तरीके से एक्सप्लोर आपको करके ये तीसरा स्टेप लेना है, यदि जरूरत हो तो भी ले, अदरवाइज बिल्कुल भी ना। चौथी इंपॉर्टेंट बात, एग्रेसिव फीडबैक्स देना। अब आपको मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जियो जब मार्केट में आया तब एयरटेल सबसे बड़ा प्लेयर था। जियो जैसे ही मार्केट में आया उसने प्राइस वॉर कर दिया, बहुत सारे टैरिफ सबसे गिरा दिए, एयरटेल वोडा सबको नुकसान होने लगा, सबके कस्टमर बेस जियो में ऐड होने लगे। लेकिन एक कंपनी एयरटेल ने उसको फाइट बैक करा, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में उन्होंने एक चीजें इंप्लीमेंट करी और उनको एक्टिव कॉम्पिटिटर की तरफ फाइट बैक करा। तो कैसे करा उसको एक्टिव कॉम्पिटिटर की तरफ फाइट बैक? जियो की वो कमियां ढूंढे, जब जियो नया नया आया था तो कहीं कहीं नेटवर्क में फ्लॉस थे, कहीं कहीं उसका स्पीड में स्लो थी। तो आपको याद हो एयरटेल ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी ओकला टेस्ट वाला, जिसपे जियो भी नाराज होकर केस भी कर दिया था।
बट उन्होंने उसमें बताया था कि कैसे एयरटेल सबसे अच्छा नेटवर्क प्रोवाइडर है, कैसे उसकी स्पीड सबसे अच्छी है, तो उन्होंने वहां दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा कैंपेन लॉन्च करा जिसमें उन्होंने कस्टमर सर्विस की बात करी, उन्होंने तीसरा कैंपेन लॉन्च करा कैसे वो सबसे बेहतर है, कैसे वो कस्टमर को वैल्यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया। प्राइस वॉर नहीं कर पाए क्योंकि ऑब्वियसली जियो की वो स्ट्रेटेजी थी, बट एक्टिव कॉम्पिटिटर की तरह फीडबैक करा। इसीलिए बाकी सभी प्लेयर्स आइडिया हो वोडाफोन उनके शेयर्स बिल्कुल ही गिर गए, वहीं एयरटेल के भी शेयर्स गिरे, बट वो भी अभी मार्केट में सस्टेन कर रहा है और अभी वो फाइट बैक करने के लिए और भी फंडिंग रेज कर रहा है ताकि वो अभी जियो को और ज्यादा कंपटीशन मार्केट में दे पाए। तो देखिए, आप अपना कंपटीशन को बिल्कुल ध्यान लगा के समझना पड़ेगा, आपको हर एक मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उसको कैसे टफ फाइट दें। आप यदि टफ फाइट उनको नहीं देंगे आपको वो बिजनेस से यूं उठा कर फेंकते, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा पांचवी इंपॉर्टेंट बात, आपको फोकस बनाए रखना है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। फोकस जो एक ऐसी की है ना दोस्त, उसको कभी नहीं भूलना। फोकस बनाए रखिए, क्या कर रहा है, हर एक छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दीजिए, तब आपको जाके फायदा मिलेगा। फोकस और ये सारी प्रक्रिया जितने हमने अभी डिस्कस किया उसको रिपीट, फोकस एंड रिपीट, ये प्रोसेस आप यदि कंटिन्यूस रखते हैं आपका कॉम्पिटिटर आपसे परेशान होकर वो हो सकता है खुद ही बिजनेस छोड़ के चला जाए। थैंक यू। Come